आज की परिस्थिति को उजागर करती हुई यह कविता सोशल मीडिया पर सतीश उपाध्याय द्वारा शेयर की गई थी, आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। जिंदगी चलते चलते थम गई, जिंदगी चलते चलते थम गई, वर्षों से आरजू थी फुर्सत की, वर्षों से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पर कि किसी से मिल नहीं सकते, मिली तो इस शर्त पर कि किसी से मिल नहीं सकते। आज ओस की बूंदे हैं, आज ओस की बूंदे हैं, आंख में नमी है, ना ऊपर आसमां है ना नीचे जमी है। अरे अरे, ये कैसा मोड़ आया है, जो अपने हैं उन्हीं की कमी है, ये कैसा मोड़ आया है, जो अपने हैं उन्हीं की कमी है। चारों तरफ अंधियारों के मंजर हैं, चारों तरफ अंधियारों के मंजर हैं, अपनों से मिलना ही सबसे बड़ा खंजर है, अपनों से मिलना ही सबसे बड़ा खंजर है। सहमी सहमी सी शाम और रात है, चुप चुप धरती आसमां है, आज ना कोई दूर है ना पास है, मन जाने क्यों उदास है। परेशानियां हमें थका नहीं सकती, परेशानियां हमें थका नहीं सकती, दूरियां हमें मिटा नहीं सकती, ठोकरे जज्बों को गिरा नहीं सकती, ठोकरे जज्बों को गिरा नहीं सकती, हौसलों की लौ को आंधियां मिटा नहीं सकती। हमने तो अब यह ठाना है, हमने तो अब यह ठाना है, हर मुश्किल को हराना है। अगर मन में हो केवल जीतने की जिद, कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। आओ मिलकर संकल्प करें, जीवन को जीवंत करें, जीवन को जीवंत करें, जीवन को जीवंत करें। सच है विपत्ति जब आती है, कायल को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ करते हैं, मुंह से न कभी उफ करते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के नग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी के जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। ये कविता दिनकर जी द्वारा रचित है। धन्यवाद।